नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बात की जानकारी देंगे कि आपको अपने हाथ की कौन सी उंगली में चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार चांदी 9 ग्रह में शुक्र और चंद्रमा से जुड़ा हुआ धातु है। कहा जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ था, इसलिए जहां चांदी होता है वहां वैभव और संपन्नता की कोई कमी नहीं होती। शरीर में चांदी धारण करने पर यह जल तत्व और कफ को नियंत्रित करता है। इसके अलावा चांदी पहनने से कई तरह के लाभ होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चांदी की अंगूठी किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और इसे किस तरह से धारण करना चाहिए। बाजार से अपने पसंद की डिजाइन की चांदी की अंगूठी ले आए, फिर इसे किसी भी गुरुवार के दिन पानी में डालकर पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अगले दिन सुबह के वक्त इस अंगूठी को भगवान विष्णु के चरणों में रखें और पूरे विधि विधान से उसकी पूजा करें। जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो उस अंगूठी को चंदन लगाएं, धूप दीप जलाकर अक्षत चढ़ाएं। आपका यह छल्ला अब अभिमंत्रित हो चुका है। अब आप इसे दाहिने हाथ में सबसे छोटी उंगली में धारण कर लें। इस उंगली में चांदी की अंगूठी पहनने से क्या फायदे होते हैं? नंबर एक, छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी पहनने से मस्तिष्क शांत रहता है और आपको अधिक गुस्सा नहीं आता है। आप अपने गुस्से पर नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर दो, अगर आपको कफ, जोड़ों या हड्डियों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो चांदी की अंगूठी आपको काफ़ी हद तक फायदा पहुंचा सकती है। नंबर तीन, चांदी की अंगूठी या चांदी शरीर पर धारण करने के अलावा चांदी से बने बर्तनों में खाने पीने से सर्दी जुखाम, साइनस जैसी बीमारी दूर हो जाती है, इसलिए किसी न किसी रूप में हमें चांदी का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। हमारी ऐसी ही अन्य जानकारियों को हासिल करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।